फ्रेंड्स, रूबी झा के किचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग के साथ मोमोज का रेसिपी लाए हैं। तो मार्केट में बहुत सारा आजकल यहाँ पर में पत्ता गोभी बहुत अच्छा अच्छा आया है, तो आज हम बनाएंगे आप लोग के लिए मोमोज, बच्चे का फेवरेट मनपसंद। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम क्या क्या लेंगे तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे, तो आज हम बनाएंगे मोमोज। तो आज हम वेज मोमोज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप मैदा लिए हैं, यहाँ पे हम 2 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं इसमें डालेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरह से हम इसको हाथ से मिला लेंगे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक अच्छा सा हम स्मूथ सा हम आटा तैयार कर लेंगे, यहाँ आटा लगा लेंगे। हमको टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हमको सॉफ्ट आटा लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जो आटा है, ये डो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है मोमोज का और बिल्कुल सॉफ्ट है ये देखिए। तो इसी तरह का हमको आटा लगाना है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ऑयल लगा के और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम या तो आप कपड़ा, कोई कॉटन कपड़ा लेके भिगा के रख दीजिए, नहीं तो आप वैसे भी किसी ढक्कन से, किसी बर्तन से ढक दीजिए इसको। तो चलिए हम इसको साइड में रख दे रहे हैं ढक के। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, मोमोज का आटा लगा लिए हैं, तो अब हम उसका फिलिंग बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इसमें 2 टेस्पून हम ऑयल डाल लिए हैं। तो यहाँ पे हम अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो अब यहाँ पे फिर देखिए फ्रेंड्स, हम क्या डालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लहसुन डाल देंगे। आप चाहे तो इस जगह पर में पीस के भी इसका पेस्ट भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हरी मिर्च ले लिए हैं बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे हम 3 हरी मिर्च लिए हैं और यहाँ पर में हम 5 कलीरे लहसुन का ले लिए थे। तो इसको हम अच्छे से पहले हम पकने देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम अदरक डाल दिए हैं, क्योंकि अदरक बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए हम बाद में डाले हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम प्याज डाल लेंगे और हमको थोड़ा थोड़ा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हमको सॉफ्ट करना है। जो मोमोज का फीलिंग बनता है तो उसको ज़्यादा डार्क मसाला को नहीं करना रहता है। जो हम ये डालेंगे, आपको जितनी सब्जियाँ डालनी है आप डाल सकती हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम शिमला मिर्च ले लिए हैं हरी वाली। तो यहाँ पे हम शिमला मिर्च को भी अच्छे से कद्दूकस कर लिए थे। और अब यहाँ पे हम गाजर ले लिए हैं, तो गाजर को भी हम अच्छे से, इसको भी हम कद्दूकस में घीस लिए थे। तो अब यहाँ पे हम डाल के और अच्छे से हम सॉफ्ट होने तक इसको भी भून लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में पत्ता गोभी को अच्छे से हम कद्दूकस कर लिए हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए हल्का सा नमक डाल के और छोड़ दिए थे, ताकि इसका जो पानी है हम इस तरह से निचोड़ लेंगे, यहाँ देखिए। और अब हम इसको इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे जितना पानी है इसका, तो हम इस तरह से देखिए हम पानी निचोड़ के और फिर हम पत्ता गोभी इस तरह से हम कैबेज डाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको चला लेंगे, बिल्कुल हम इसको भी सॉफ्ट भूनेंगे, इसको हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल सॉफ्ट भूनना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करते हुए हम थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है मोमोज में। तो यहाँ पे देखिए हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम ये काली मिर्च ले लिए हैं, तो थोड़ा सा हम काली मिर्च डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम जीरा पाउडर ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे।
और थोड़ा सा हम इसमें हम यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकती हैं इस तरह से, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला डाल देंगे, हल्का सा। ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं डालना है बिल्कुल मत डालिएगा, तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे हम सबको अच्छे से हम मिक्स करके और हम बस बिल्कुल हम 2 मिनट तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हम इसको भून लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ढेर सारा हम धनिया पत्ती डाल देंगे और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने तक वेट करेंगे, तब हम मोमोज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर में जो फिलिंग है मोमोज का, जो मसाला बनाए हैं, बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे हम नमक पहले भी डाले थे, थोड़ा सा नमक हम इसमें और ऐड कर देंगे इस तरह से। तो अब चलिए इसको हम अच्छे से पहले हम मिक्स कर ले इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसको साइड में रखते हैं और अब यहाँ पे जो आटा है मोमोज का, वो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो मोमोज का आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, देखिए यहाँ पे आप देख सकती हैं इस तरह से। तो इसी तरह का हमको आटा चाहिए। तो अब चलिए इसको हम पहले बेल लें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से लोई काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से, आप चाहे तो यहाँ पे चाकू से भी काट सकते हैं, इस तरह से हम लोई काट के तो इसका हम रोटी जैसे बना लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से इसको यहाँ पे हम कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बर्तन ले लिए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लगा के उसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से हम बेल लेंगे। इसको हम साइड में रख ले रहे हैं। बेलन कहाँ है? बेलन कहाँ है? वाह। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे हम रोटी इकट्ठे हम 8-10 रोटी बना ले रहे हैं, फिर हम इसमें इसका फिलिंग भरेंगे। हम इस तरह से हम रोटियाँ बना लिए हैं पतला पतला। तो यहाँ पे हम बिल्कुल पतला रोटी बनाएंगे मोमोज का, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हम बना लिए हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम 10 रोटी बेल लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको साइड में तब तक रखते हैं और अब यहाँ पे हम देखिए रोटियाँ हम बेल लिए हैं इस तरह से, आप देख सकती हैं। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और अब हम यहाँ पे चम्मच ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम चम्मच ले लिए हैं और अब हम इसमें इस तरह से इसका हम फिलिंग भर देंगे। तो फिलिंग आप अपने हिसाब से, अब ज़्यादा भी मत भर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल देंगे और अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम इसको हम ऐसे कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस तरह से हम करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, इस तरह से हम कर लेंगे और इसको हम नीचे की तरफ हम कर देंगे, ताकि जो मेरा मोमोज है वो बिल्कुल ना फटे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोमोज मेरा तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम एक और मोमोज बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से फिलिंग रख लेंगे और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम इसको हम इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम मोड़ते रहेंगे। इस
इस तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोमोज मेरा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से देखिए हम तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसी तरह से हम ये एक तरीका आपको दिखाए हैं, अब हम आपको दूसरा तरीका भी दिखाते हैं। दूसरा हम कैसे बनाएंगे तो हम आपको दूसरा तरीका भी दिखाते हैं। आप इस तरह से मोमोज रख ले, इसमें इस तरह से रख ले, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करें तो इस तरह से आप इसको इस तरह से ले ले, और यहाँ पे देखिए आप इस तरह से करके उसके बाद फिर आप इस तरह से बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो तरह से आपको बना के दिखा दिए मोमोज। तो चलिए आप इसी तरह से इसको बनाइए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे जिस में हम इडली बनाते हैं तो उसी में हम क्या किए हैं, यहाँ पे हल्का सा हम रिफाइन ऑयल ग्रीस कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से मोमोज इसमें डाल लेंगे। इस तरह से देखिए हम डाल देंगे, और डाल के उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल खौल चुका है, और अब हम इस तरह से इसको हम रख लेंगे, और उसके बाद अब हम यहाँ पे ढक्कन इसका हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे रख लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये तीन लेयर है, तो हम यहाँ पर में एक बार में 12 इडली निकलता है, तो यहाँ पे एक बार में हम 12 मोमोज निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम ढक्कन लगा देंगे। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे तो इसको हम ढक्कन लगा देंगे, और हम इसको कम से कम तो 6 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा मोमोज है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकती हैं, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हम गैस बंद कर दे रहे हैं, और थोड़ा देर के लिए हम इसको ढक के छोड़ दे रहे हैं, तब तक मेरी चटनी भी बनके, यहाँ पे देखिए मेरी चटनी भी बनके तैयार हो चुकी है मोमोज की। इसका रेसिपी हम आपको नहीं बताए हैं, आपको अगर देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम आपको रेसिपी बताएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए मोमोज बनके तैयार हो चुका है, हम दूसरे बर्तन में सर्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाती हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताइएगा, नहीं भी अच्छा लगता है तब भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो एंजॉय करिए, आप भी अपने घर में बनाइए, आप भी हैप्पी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम भी हैप्पी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टिक के बाय।